राजस्थान के बारा अट्रू विधानसभा क्षेत्र के कवाई अडानी प्लांट के हेलीपैड पर 12 बजे से ही एकत्रित होने लगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनमानस को मायूस होकर लौटना पड़ा। बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 12 जिले में अंता और कवाई अडानी प्लांट के हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनमानस से क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में मुलाकात करते और क्षेत्र का हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर अटरू कवाई छबड़ा छिपाबडौद का दौरा कर झालावाड़ पहुँचते, लेकिन न जाने किन्हीं कारणों के चलते अंता क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात एवं हवाई दौरा कर वापस जयपुर लौट गए और अटरू कवाई छबड़ा छिपाबडौद का हवाई कैंसिल कर दिया गया। और तलब है कि इस दौरान हेलीपैड स्थल पर इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते 12 बजे से लेकर कार्यक्रम स्थगित की सूचना मिलने तक बारिश की बूंद भी नहीं आई। छबड़ा छिपाबडौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया, मौसम को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंता से अटरू कवाई छबड़ा छिपाबडौद क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए किसानों की फसलें बेघर हुए गाँव का दौरा करने के लिए जयपुर से सुबह 10 बजे रवाना होकर हाड़ौती संभाग के दौरे पर रहे, लेकिन मौसम बिगड़ने और देरी के कारण बाकी का हवाई दौरा कैंसिल कर दिया गया है। आगामी दौरा कर शेष रहे क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र के हालातों का जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के अडानी प्लांट के हेलीपैड पर उतरकर आमजन से मुलाकात करने वाले स्थल पर पुलिस और इंटेलिजेंट की बड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, साथ ही पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। अटरू छबड़ा कवाई मौटपुर समेत 12 की पुलिस समेत अन्य कई विभागों के अधिकारियों का भी हेलीपैड स्थल पर लवाजमा लगा रहा। आप मेरे साथ देख रहे हैं डीडी भारती न्यूज चैनल। आज यहाँ पे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो प्रोग्राम बना हुआ था वो अंता से ही कैंसिल हो गया है। इसी को लेकर यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो पब्लिक आई हुई थी, जो आमजन लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे, वो सब निराश होकर के सूचना मिली है कि आगामी जो भी कार्यक्रम रहेगा उसमें यहाँ की जन सुनवाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। गरीब लोगों के मकानों में अनाज जो था वो पानी में गल गया, उन सारी चीज़ों को लेकर कल हमने मुख्यमंत्री मोदी को निवेदन किया था कि आप हाड़ौती के चाहे कोटा जिला हो, बारां जिला हो, झालावाड़ जिला हो, चाहे पर्वत पार्वती नदी हो, पर्वत नदी हो, इलाशी अंडेरी, जो जिन नदियों से गांव में नुकसान हुआ है उन गाँव का दौरा करके वहाँ के लोगों से मिलने का उन्होंने रात को 2 बजे कार्यक्रम फाइनल किया था। अभी हाल ही पता लगाया कि इस प्रकार से पायलट से मेरी बात हुई है कि मौसम खराब की वजह से वो हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ पा रहा है और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं 2-3 दिन बाद वापस 12 और झालावाड़ का प्रोग्राम बनाऊंगा और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, जिन लोगों का नुकसान हो, चाहे किसानों का हुआ है, मजदूरों का हुआ है, कटिबद्ध है, उनको मदद करने के लिए तैयार है। हम जल्दी सर्वे के आदेश कर देंगे, सर्वे कराकर उनको मुआवजा देने का प्रयास करेंगे। और इतना नुकसान हुआ कि अकस्मात नदी का पानी जिन गाँव में नदी के सारे गाँव थे वो सारे गाँव गिर गए और गिरने के कारण जो है उन गाँव में उनके खाने पीने का सामान भीग गया, बिस्तर वगैरह भीग गए, मकान गिर गए। तो सारतल हलमो कलमोदिया भावपुरा बिरेडी मालोनी पटपड़ी जो बेल्ट है उधर बटाउदा पार्क गोड़िया महर खुरई फलिया पार कटे एक नदी और परवन के किनारे और नदियों के किनारे जो गांव थे उनमें सर्वाधिक नुकसान हुआ, फसलों का पूरा नुकसान हमारा हुआ है, चाहे 12 जिले में मान लो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।